तक की परमिशन ये दी है कि 2 बजे अपन, मैं, मेरी पत्नी, दोनों बच्चे और सारी माताएं आगे आगे चलेंगे, आप पीछे पीछे चलोगे। पूरे मार्केट में हम प्रत्येक दुकान पे, प्रत्येक व्यापारी पे, छबड़ा की आम जनता के ढोक देते हुए यहाँ से धर्रावदा चौराहे तक जाएंगे। फिर वापिस जब आएंगे तो इधर के जो व्यापारी है उनको ढोक देते हुए फिर वापिस हम यही आएंगे। और यहाँ से आने के बाद में फिर हम कार्यकर्ता भक्तों को जो चुनाव में 25 तारीख तक सक्रिय भूमिका निभाएंगे उन सबको ड्यूटियां बांटी जाएगी कि कौन व्यक्ति कहाँ और क्या ड्यूटी प्राप्त करेगा। हमें इस चुनाव को इस तरह से लड़ना है जो आज दिन तक के यहाँ की जनता ने ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। मैं अपनी बात पूरी बात में रखूंगा, उसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारी जो दायित्व पार्टी आदरणीय मोहन सिंह जी मुझे साथ नामकरण जी मेहता जी और नगरी जी वर्मा जो मंच में पधारे उसके बाद पता कर रहेगा। भाई मनराज जी एक बार मंच में। नवल जी नागर निपाणिया से और अमरलाल जी नागर निपाणिया से दोनों भाई मंच पे पहुंचे और रामकरण जी लोगों को टिकट देती है इनसे जैसे चाहे ऐसे काम करवा देते हैं। ऐसे क्रांतिकारी लोगों को टिकट नहीं देते, क्रांतिकारी तो क्रांति करेंगे। और मैं कहता हूँ कि ये भगत सिंह है इस पारा की धरती का, इस छबड़ा की धरती का, ये क्रांति करके रहेगा या आजादी रहेगा। और देखना आप आजादी की सांस कैसे रहती है। आजादी में आप सांस लोगे, आप किसान कर बेटे को जीत के भेजोगे, आपको महसूस होगा ये मेरे सभी होता है क्या। देखना कोई आर एस सी में, कोई बिजली विभाग में, कोई सिंचाई विभाग में, कोई तहसील में, यदि कोई थाने कचहरी में कोई थानेदार नहीं, कोई औलाद नहीं होगी तो तुमसे पैसा भ्रष्टाचार का। हजारों की संख्या में आके थाने को घेर देंगे, तहसीलों को घेर देंगे, आर एस सी को घेर देंगे। साधन नहीं होगा चलाम नहीं साढ़ो मैं।